दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि 17 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो चुका है, तो उसके हमें लगभग सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईपीएल जो सीज़न चला है 2018, तो आईपीएल से काफ़ी प्रश्न आए थे, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग के मालिक कौन है, कप्तान कौन है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और आया था आज के। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए मैक्रोन। अगला है ब्लैक हिल, ये होल मैंने लिख दिया, ब्लैक हिल हो जाएगा। ओके, तो ब्लैक हिल बुक के लेखक का नाम क्या है, तो ब्लैक हिल जो बुक है उसके लेखक हैं ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो कल भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि जो पेपर हो रहे हैं शिफ्टों में उसके रिपीट क्वेश्चन काफ़ी बार बार हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं या पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं जीरो फाइट। एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से कि यजुर्वेंद्र चहल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रघुबर दास। एक क्वेश्चन आया था कि नैनीताल जो झील है कहाँ पर है, तो ये नैनीताल झील जो है ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्यों मुरादाबाद मुरादाबाद जो स्मार्ट सिटी है ये कहाँ पर है, तो ये हमारे पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद जो स्मार्ट सिटी है ये उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ओके, अगला है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था आईसीएएन को। ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हुआ है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी देखिए दोस्तों, कल भी रिपीट हुआ था आज भी रिपीट हुआ, मतलब काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी हड्डी, मतलब शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, मतलब जांग की, जंगा की हड्डी, जांग की हड्डी, तो शरीर की ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। एक राजधानी कैपिटल से आया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। अगला है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हैं जेपी नंदा। ओके, इनर्ट गैसों से एक क्वेश्चन आया था, अक्रिय गैसें, नोबेल गैसों से प्रश्न आया था, नोबेल गैस कौन सी होती हैं, एच एनी ए आर के आर XCRN। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। ओके, नेक्स्ट है, टिम साउदी किस क्रिकेट टीम व देश के खिलाड़ी हैं, तो टिम साउदी जो हैं न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ी हैं। अगला, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण। ओके, अगला, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, सऊदी अरबिया की हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है, तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए प्रथम चंद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा में 2008 में, 2008 में लॉन्च किया गया था। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाषण कब दिया था, 1863 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, मीना माता बीमार किसकी वजह से होती है, तो मीना माता बीमारी किसकी वजह से होती है, ये होती है मरकरी की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। अगला, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो आर एच जो फैक्टर होता है उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने। एक बार दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको तैयारी हो जाए, ओके। तो देखिए दोस्तों, आईपीएल जो सीजन चला है 2018, तो आईपीएल से काफ़ी प्रश्न आए थे, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग के मालिक कौन है, कप्तान कौन है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और आया था आज के। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए मैक्रोन। अगला है ब्लैक हिल, ये होल मैंने लिख दिया, ब्लैक हिल हो जाएगा, ओके। तो ब्लैक हिल बुक के लेखक का नाम क्या है, तो ब्लैक हिल जो बुक है उसके लेखक हैं ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो कल भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि जो पेपर हो रहे हैं शिफ्टों में उसके रिपीट क्वेश्चन काफ़ी बार बार हो रहे हैं, ओके। तो ये हो गया राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं या पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट। एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से कि यजुर्वेंद्र चहल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रघुबर दास। एक क्वेश्चन आया था कि नैनीताल जो झील है कहाँ पर है, तो ये नैनीताल झील जो है ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्यों मुरादाबाद जो स्मार्ट सिटी है ये कहाँ पर है, तो ये हमारे पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद जो स्मार्ट सिटी है ये उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है, ओके। अगला है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था ICAN को। ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हुआ है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी देखिए दोस्तों, कल भी रिपीट हुआ था, आज भी रिपीट हुआ, मतलब काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी हड्डी, मतलब शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, मतलब जांग की हड्डी, तो शरीर की ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। एक राजधानी कैपिटल से आया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। अगला है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हैं JP नड्डा, ओके। इनर्ट गैसों से एक क्वेश्चन आया था, अक्रिय गैसें, नोबेल गैसों से प्रश्न आया था, नोबेल गैस कौन सी होती हैं, HE, NE, AR, KR, XE, RN। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, ओके। नेक्स्ट है, टिम साउदी किस क्रिकेट टीम व देश के खिलाड़ी हैं, तो टिम साउदी जो हैं न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ी हैं। अगला, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण, ओके। अगला, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, सऊदी अरबिया की हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है, तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए प्रथम चंद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा में 2008 में लॉन्च किया गया था। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाषण कब दिया था, 1863 में, ओके। अगला क्वेश्चन है, मीना माता बीमार किसकी वजह से होती है, तो मीना माता बीमारी किसकी वजह से होती है, ये होती है मरकरी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। अगला, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो आर एच जो फैक्टर होता है उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।